जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन। हम सब खड़े हैं श्याम टाकीज में। यहां एक छत्तीसगढ़ी फिल्म रंग रसिया द जेंटलमैन लगी है। 7 जुलाई 2017 के ये फिल्म 18 सेंटरों के साथ में प्रदर्शित हुई और अपने पहले दिन से ही ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जीएसटी लगी है। जीएसटी लगने के बाद में भी इस फिल्म का व्यवसाय निरंतर अग्रसर है और एक सुपरहिट फिल्म की श्रेणी में ये आने वाली है। इस फिल्म की कहानी लिखी है प्रोड्यूसर खुद अशोक तिवारी जी ने, गीत भी लिखे हैं उसमें, निर्देशन किया है पुष्पेंद्र सिंह साहब ने। इसमें कलाकार हैं अनुज शर्मा, पद्मश्री सुपरस्टार, इसके साथ में लेजली त्रिपाठी, सान्या कंबोज, मोहन भैया हमारे साथ में हैं। इसके गाने इनको राइट से लिए हैं वीडियो सुंदरानी फिल्म ने। मोहन भैया, इस गानों के बारे में बताइए, इस फिल्म के गाने कैसे लगे? ये 6 गीतों की फिल्म जिसमें 6 गीत है और 6 गीत अलग अलग मूड पे है। छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को लेते हुए भी गीत इसमें डाला है जो दर्शकों को काफी लुभा रहे हैं। बंधे रहे डोरी प्रीत के, टूटे झनसाज सुर संगीत के। यह गीतों की वजह से, फिल्म की डायरेक्शन की वजह से जो आज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। हमारे बीच में प्रदीप शर्मा। आप टोटली फिल्म अच्छी है, फिल्म का संगीत अच्छा है, ड्रामा अच्छा है, टर्निंग पॉइंट अच्छी है, फिल्म में कास्टिंग बहुत अच्छी है और मुझे तो कुछ और रोल करने के लिए क्या कहा गया था, बाद में अंतिम मौके पर मुझे मोहन सुंदरानी का डुप्लीकेट, मोहन सुंदरानी जी की एक्टिंग करने के लिए बोला गया तो मैंने कोशिश की है भैया की एक्टिंग करने की और दर्शकों को अच्छी लग रही है। खुशखबरी ये है कि मैं तो बिहाव लगा के आ गया। इस फिल्म में सब कुछ अच्छा है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है। ऐसी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में ये फिल्म एक एग्जांपल सेट कर रही है और इससे एक नया ट्रेंड चालू होगा। अशोक तिवारी जी हमारे बीच में, अशोक भैया, ये इस फिल्म की कहानी भी लिखी, एक गाना भी लिखा आपने, गाना गाया भी, क्या गाना गाया, एक बार गाना हो जाए। इसमें चीनी नहीं जापानी नहीं में मैंने कोरस भी किया है। हाँ जी, और गीत लिखा है इसमें, चीनी नहीं जापानी नहीं, बात मान ले पाकिस्तानी नहीं, छत्तीसगढ़िया के ले सेवादरा। चीनी नहीं जापानी नहीं, बात मान ले पाकिस्तानी नहीं। मेरा सौभाग्य है कि पुष्पेंद्र जी और अशोक तिवारी जी ने मुझे इस फिल्म की पटकथा लिखने का मौका दिया और फिर इस फिल्म में एक्शन करने का भी मुझे मौका दिया। मुझे तो बहुत मज़ा आया काम करके और अब जब फिल्म टॉकीज में लगी है और दर्शकों को उस पटकथा पर इंजॉय करते देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और उस फाइट में भी इंजॉय करते देखता हूँ, जो कॉमेडी पुट फाइट मैंने बनाया है उसको भी इंजॉय करते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे बड़े बात ये है ये फिल्म में कि ये फिल्म में छत्तीसगढ़ की खुशबू बहुत अच्छा है। साला सेठ हो भोकवाला, सबो राजपाट सौंप दी। बहुत सालों के बाद पहली बार कहते हैं नेगेटिव रोल किया, लगातार कंटिन्यू हीरो करते थे, बड़ा अजीब लग रहा था, कर पाऊँ नहीं कर पाऊँगा, बड़ा मन में संशय बना रहा कि हो पाई नहीं हो पाएगा, कभी किया नहीं हूँ। रंगरसिया एक बहुत अच्छी फिल्म है। भाई अनुज ने, राजू भाई ने, योगेश भाई ने और निशांत भाई ने बहुत अच्छा रोल किया है। पार्वती नाम है मोर। मैं तो जानत रहे भाई, तोर मुसुन्ना चाहत रहे, ते करे दिल पुछत रहे। बदमाश मेरे लाइफ का बहुत एक अच्छा क्रीम रोल जिसको कहना चाहिए वो इस फिल्म में है और मैं ऑडियंस को, पब्लिक को, छत्तीसगढ़ी ऑडियंस ला हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये पिक्चर ला देखो और छत्तीसगढ़ी कल्चर ला आगे बढ़ाओ। क्या मेरा माँ बुआ ऐसा आदमी संग मेरा ब्याह कर दिया, मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया ये मनुष्य। रंग रसिया द जेंटलमैन फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है। बाहुबली का जितना रिकॉर्ड कलेक्शन था उससे ज्यादा रंग रसिया हमारी ये फिल्म कर रही है। वाली बीबी हमारे हो, मैं गंवारे हो रे भैया। हमारे देश का परंपरा है छत्तीसगढ़ी है, इसलिए देखने आए हैं। अच्छा लगते देखे बार आता ना, हमारे घर परिवार बताते, स्टोरी वगैरह सब सही रहता है, अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ जिस तरह का राज्य है। हम लोग तो सुने कि बहुत अच्छा है करके, तो हम लोग देखने आए हैं। छत्तीसगढ़ को सपोर्ट करना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात अनुज शर्मा है। अनुज शर्मा का तो पिक्चर हमको बहुत अच्छा लगता है। अनुज शर्मा को देखने आई हूँ मैं, अनुज शर्मा को देखने आई हूँ। उसका कारण ये है कि जब भी मैं कोई फिल्म करता हूँ तो पहले उस पर मेरा पहला सवाल होता है कि इस फिल्म को मैं क्यों कर रहा हूँ। तो इस फिल्म का जवाब था कि एक म्यूजिकल फिल्म थी और मैं संगीत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जाके सुर बांध ले, बाहा मजोड़ी छाद ले।
इस फिल्म में गायक की बात थी और मुझे ऐसा लगता है इसके लिए लगा कि मैं सबसे फिट और सुटेबल कैरेक्टर हूँ जो इस किरदार को करना चाहिए, और मैंने वो किया और बहुत दिल से किया। मुझे करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि फिल्म में बहुत सारे सीक्वेंसेस हमने देखे जिसमें मुझे गाने का मौका मिला। तेरा ना कोई छेड़ दे नहीं, इसमें चार पांच गाने गाए मैंने, चार पांच गाने विदाउट रिकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट, यानी हमने वो सीन प्लान किया, फिर मैंने बोला मुझे यहाँ ये गाना गाना चाहिए। जब हमने फाइट किया तो मुझे लगा जब वो संगीत का आदमी तो उसको संगीत में फाइट करना चाहिए, तो मैंने छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग ताल हैं उस पे मारा हूँ विलन्स को। इस फिल्म में हम लोगों की तरफ से जो मेहनत हो सकता था उस तारीख की स्थिति तक वो हम लोगों ने करने का प्रयास किया और हमने किया है। भोला हाँ पार्वती ल पसंद करते और सुने हाँ पार्वती है भोला ल पसंद करते। मैं उन्हें यही कहूँगा कि जैसा मेरी फिल्मों को हमेशा एक उनका आशीर्वाद मिलता रहा है पिछले 17 वर्षों से, मैं चाहूँगा कि वो अच्छी फिल्मों को ज़रूर अपना इसी प्रकार आशीर्वाद दें, उन फिल्मों को देखें और उन्हें अप्रिशिएट करें, क्योंकि फिल्म हम उन्हीं के लिए बनाते हैं, उनके मनोरंजन के लिए बनाते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपना फीडबैक भी दें कि उन्हें कैसी फिल्में पसंद हैं, क्या वो पसंद करते हैं, तो हम उस हिसाब से आगे की फिल्में बनाया करेंगे। बंध रहे डोरी पीरीत के, टूटे झनसाज सुर संगीत के, जिंदगी सवर ही गढ़े दुख सुख के लहरामा, जिंदगी सवर ही गढ़े दुख सुख के लहरामा, माया सिरा है झनमीत के। क्या कैसी लगी पिक्चर आपको? बहुत अच्छा, सुपर हिट। कैसी लगी पिक्चर आपको? ठीक लगी, बहुत अच्छी है। सब अच्छी है, सब अच्छा बना है, पिक्चर अच्छा लगा सर। देखे लायक है। नहीं देख रहे आग है? हाँ। छत्तीसगढ़ में ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इसमें कॉमेडी भी है और पारिवारिक भी है, और दोनों हीरोइनों ने बहुत अच्छा काम किया है, यही मैं बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत अच्छा लगे, इतना जबरदस्त पिक्चर है और वो बताए की जरूरत नहीं, आप भीड़ आप क्राउड ला देख लो पूरा, आप ला समझ आए, एक नंबर पिक्चर। वन लाइन स्टोरी है और पिक्चर में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा ही बनाया गया है, पूरा अच्छा लगा था। जैसे छत्तीसगढ़ ला चाहिए वैसे ही पिक्चर बने, एक नंबर पिक्चर है। अरे हमें तो हिंदी पिक्चर से ज़्यादा छत्तीसगढ़ मज़ा आता है देखने में। GST लगने के बाद में छत्तीसगढ़ की पहली पिक्चर है और ये उम्मीद नहीं थी, जैसी जो दर्शकों का जो प्यार मिल रहा है, जो माया मिल रहा है इस फिल्म को, वो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर था कि GST 18% टैक्स बहुत होता है छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए, जो कि अभी तक पूर्णतः टैक्स फ्री थी। लेकिन अनुज शर्मा जी, निशान भैया, लेजली त्रिपाठी, सानिया, इन सब का काम दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। बंधे रहे डोरी पीरीत के, टूटे जन साज सुर संगीत के। रंग रसिया द जेंटलमैन। कॉलेज बंक करके आया हूँ सर, छत्तीसगढ़ी फिल्म इतना पसंद है मेरे को, मैं क्या बताऊँ। अच्छी लगी, काफी अच्छी मूवी है, कहानी भी अच्छी है, अच्छी लगी मुझे। काफी दिनों बाद ऐसा माहौल देखने मिल रहा है टाकीज में कि इसकी स्टोरी देखकर लोग स्वयं खींचे चले आ रहे हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये बेसिकली जनता की अपनी इच्छा है और शायद जनता की इच्छा के कारण ही मैं कुछ ठीक फिल्म बना पाया हूँ। इतने सालों से काम कर रहा था, तब मुझे लग रहा था कि मैं डायरेक्ट करूं, क्योंकि 60-70 फिल्में करने के बावजूद भी मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था, और इसीलिए मैंने इस फिल्म में कोई भी एक्टिंग पोर्शन नहीं किया। मैं खुद एक्टर नहीं हूं इस फिल्म का, और डायरेक्ट किया है तो, और मुझे लगता है कि यदि आप ईमानदारी से काम करें तो ये हमारी जनता बहुत बढ़िया परिसाद देती है, और वो मुझे मिल रहा फिल्म स्टार है, असली कलाकार मैं रंग रसिया। भारतीय छत्तीसगढ़ी हाँ हो मैं भोला रंगीला बढ़िया हो मैं, भारतीय छत्तीसगढ़ी हाँ हो मैं भोला रंगीला बढ़िया हो मैं। साला सेठ हो भोकवाला, सबो राजपाट सौंपती। मलीपे पोते बहारे निमारे रपोटे सपोटे सबके काम आता हूँ। एक
पार्टी देना। अच्छा नहीं। बीए वाली बीबी हमारे हो, मैं गंवार हो रे भैया। बीए पास बीबी हमारे हो, मैं गंवार हो रे भैया। क्या मेरा माँ बुआ ऐसा आदमी संग मेरा ब्याह कर दिया, मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया ये मनुष्य। पार्वती नाम है मोर। मैं तो जानत रहे भाई, तोर मुझ सुनना चाहत रहे, तेरे दिल पूछत रहे। बदमाश। बंधे रहे डोरी पीरीत के, टूटे झन साज सुर संगीत के। जिनकी सवर ही गढ़े दुख सुख के लहरामा, जिनकी सवर ही गढ़े दुख सुख के लहरामा। माया सिरावे झन मीत के। बंधे रहे खुशखबरी ये कि मैं तोर बिहाव लगा के आ गया। भोला हा पार्वती ला पसंद करते और सुने हा पार्वती हा भोला ला पसंद करते। जेन मोनी हो सके वो काकरो नहीं हो सके। रंग रसिया।